हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष इन्फोटेक्निक्स की, जिसको एमपीएस इन्फोटेक्निक्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अभी इसके अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी ये प्राइस इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यानी दोस्तों जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 75 पैसे का है, 75 पैसे से लेकर और ये 95 पैसे के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप इसके अंदर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो फ्रेंड्स अभी आप इस शेयर से थोड़ा दूरी बना कर रखें। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टाइम का है तो दोस्तों आप यहाँ पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और आपको वेट करना है इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट के, जो अब इसका रिजल्ट आने वाला है मई के एंड तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको वहाँ तक का वेट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 75 पैसे का है। वहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ये फिर ये 95 पैसे पे गया, जो कि इसका रजिस्ट्रेशन लेवल था। ये इसको वहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से ये नीचे डाउन में आ गया। अगर फ्रेंड्स हम इसके RSI की बात करें तो RSI भी इसका बहुत नीचे जा चुका था, जो कि अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर आपने इसके अंदर होल्डिंग बना रखी है 75 पैसे के आसपास, 80 पैसे के आसपास, या दोस्तों 85 पैसे के आसपास इसमें होल्डिंग बना रखी है, तो फ्रेंड्स आप इसमें होल्डिंग बना कर रखें, जो उसका रिजल्ट आने वाला है मई के एंड तक। अगर फ्रेंड्स इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो दोस्तों हमें वहाँ से और भी ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एक बात और दोस्तों, कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें वो कम हो चुकी है, बट दोस्तों जहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है वहीं दूसरी तरफ जो उनके पास उनका शेयर प्लेस थे वो उन्होंने वहाँ छुड़वा लिए हैं, जिसके कारण दोस्तों जो प्लेस शेयर के उनको वहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, यानी दोस्तों उनको पैसे देने पड़ रहे थे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे जो उनका मई के एंड में रिजल्ट आने वाला है, अगर दोस्तों वो भी पॉजिटिव आया तो इस कंपनी में थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों जो अगला टारगेट होगा वो रहेगा 1 रुपये 15 पैसे का। जी हाँ दोस्तों, जो उसका हमें टारगेट देखने को मिल सकता है वो रहेगा 1 रुपये 15 पैसे का। वैसे दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी अपने समय में टॉप 10 में रह चुकी है और उसको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, बट दोस्तों दिस टाइम कंपनी एक पैनी शेयर बनकर रह चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने इसके अंदर इस जगह पर इन्वेस्टमेंट ले रखी है, यानी फ्रेंड्स अभी आपने इस शेयर को बाय कर रखा है इस प्राइस पे, तो फ्रेंड्स आपको वेट करना चाहिए जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। ज़्यादा का चांस है कि इसका रिजल्ट इस बार का और बेहतर आ सकता है, और ये शेयर यहाँ से 1 रुपये 15 पैसे तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और साथ में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।